तमिलनाडु के चेन्नई और दूसरे इलाकों में मंगलवार को भी रुक रुक कर बारिश होती रही। लगातार बारिश और आंधी तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और कई इलाकों में पानी भर गया। लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना पड़ा। बेंगलोर में भी भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत साउथ इंडिया के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार तमिलनाडु के कोस्टल रीजन और आसपास के इलाकों में 16 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका है। साउथ रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक भारी बारिश और बेसिन ब्रिज और व्यास रवड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच पुल संख्या 114 पर जलभराव के कारण ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में भी सभी स्कूल और कॉलेज बुधवार को बंद थे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में मंगलवार सुबह से भारी बारिश हुई। चेन्नई के नॉर्थ रीजन में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पेरम्बूर, कोयम्बेडु सहित अन्य जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी के मुताबिक बुधवार को चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में साउथ ईस्ट मानसून लौट आएगा। इसके तुरंत बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू होने की उम्मीद है। भारत की आईटी कैपिटल बेंगलोर में भी लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति के कारण लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में दक्षिण पूर्वी मानसून लौट आएगा, जबकि इसके तुरंत बाद उत्तर पूर्वी मानसून शुरू होने की उम्मीद है। तो वहीं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ दक्षिण और उससे सटे मध्य बंगाल की खाड़ी में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में तमिलनाडु के तटीय और आसपास के आंतरिक जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए चेतावनी जारी की है। राज्य के 13 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र गहराता जा रहा है, जिससे चेन्नई में और भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि रानीपेट, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, सलेम, कलाकुरीची और कुड्डालोर जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के बाकी हिस्सों के अलावा राज्य के उत्तरी हिस्सों और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।